नमस्कार बच्चों। तो आज जो सी टेट का पेपर हुआ है उसकी जो सी डी पी के पेपर जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों के आंसर हम फटाफट फटाफट जल्दी जल्दी देख लेते हैं। तो बाल विकास व शिक्षा शास्त्र के जो 30 क्वेश्चन आए थे उनके आंसर्स को हम जल्दी जल्दी देख ले देंगे। ज़्यादा बड़ा वीडियो हम नहीं करेंगे और बच्चों को सिर्फ आंसर की ज़रूरत होती है तो उन आंसर्स को हम देख लेंगे फटाफट फटाफट। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है अपना वो क्वेश्चन है, महारत हासिल करने के लक्ष्य निर्धारित करने से छात्र की अभिप्रेरणा और योग्यता के बारे में विचार कैसे प्रभावित होते हैं। तो इसका जो आंसर है वो आंसर आप देख लें, चार ऑप्शन को आप आराम से पढ़ें और फिर इनको देख लीजिए। आपने एग्ज़ाम हॉल में पढ़ लिए होंगे तो अपने को आंसर की ज़रूरत है। तो आंसर हमारा जो आंसर आएगा वो तीसरे नंबर का आंसर होगा। यह अक्सर योग्यता में बुद्धिशील दृष्टिकोण में बढ़ी हुई आंतरिक अभिप्रेरणा और विश्वास को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, समावेशी कक्षाओं। समावेशी कक्षाओं में क्या है? तो समावेशी कक्षाएं हैं, अलग अलग विभिन्नताओं के अनुसार विभेदित निर्देशित निर्देश दिए जाते हैं। अलग अलग विभिन्नताओं के अनुसार विभेदित निर्देश दिए जाते हैं। ठीक है, तो आंसर हो गया अपना नंबर 4। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, पियाजे और वाइगोस्की के सिद्धांतों में एक प्रमुख समानता है, तो क्या समानता पाई गई है? उस समानता को हम देखेंगे कि बच्चों के विकास में चरण जैसी प्रगति पर ध्यान केंद्रित किया गया है। नेक्स्ट आंसर है अपना, बच्चों के विकास में चरण जैसी प्रगति पर ध्यान केंद्रित किया गया है। 4 नंबर का प्रश्न है अपना, किशोर अवस्था के दौरान जेंडर अपेक्षाओं के अनुसार स्त्रीत्व व पुरुषत्व की परंपराओं का पालन करने के लिए दबाव बढ़ जाता है। ए है ये अभिकथन और कारण ए आर में है, जेंडर और जेंडर भूमिकाएं जैविक रूप से निर्धारित की जाती हैं। तो अपना जो आंसर आएगा इसमें आंसर आएगा, इसको चारों को आप अच्छे से देखिए, ठीक है? इंग्लिश वाले बच्चे भी हैं तो इसको अच्छे से देखते हैं। नंबर 4 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है? तो आप अच्छे से देख लीजिए कि इसका आंसर जो आएगा ए सही है लेकिन आर गलत है। नंबर 5 पे चलते हैं हम लोग। एशियाई संस्कृतियों में जो सामाजिक सद्भावना पर जोर देते हैं, क्रोध की अभिव्यक्ति को हतोत्साहित किया जाता है और शर्म को प्रोत्साहित किया जाता है। आर में आएगा अपना, भावनाएं व्यक्तिपरक है, सीखने में कोई भूमिका नहीं निभाती। तो कौन सा आंसर आएगा अपना इसमें बताइए आप। इस बच्चे का गलत हो गया है, इसको आप देखे नहीं, तो ए सही है लेकिन आर गलत है। ये जो सीरीज है ये एल सीरीज है, आप ध्यान सभी ध्यान रखें। प्रश्न नंबर 6, 6 को देखेंगे हम लोग। लॉरेंस कोहलबर्ग ने बच्चों के नैतिक विकास का अध्ययन करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया? तो कौन सी विधि थी जिसका उन्होंने प्रयोग किया था, पढ़ लीजिए आप आराम से। बच्चों के सामने नैतिक दुविधाएं रखना और अनुक्रियाओं की समालोचना करना। तो आंसर अपना आ गया तीसरे नंबर का। नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है अपना, लेव वाइगोस्की के अनुसार भाषा और विचार के बीच क्या संबंध है? तो क्या संबंध है बताइए, भाषा और विचार एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। नंबर 8, भावनाओं और व्यक्तित्व और सामाजिक संबंधों में परिवर्तन और स्थिरता किस विकास में शामिल है? तो बताइए आप दोनों पढ़ लीजिए कि इसमें जो अपना प्रश्न अपना जो आंसर है वो आंसर अगर टीचर के आधार पर माना जाता है तो नंबर 3 आएगा, भावनात्मक विकास, और यदि बच्चे के आधार पर माना जाता है तो इसमें मनोसामाजिक विकास आएगा। तो CBSE जो बोर्ड है, सेंट्रल बोर्ड जो है, इन तीनों इनमें से आंसर क्या मानता है, तो इस ऑप्शन इनमें जो है दोनों में ही वो आंसर बताएगा। तो यहाँ एक प्रश्न अपने को वो किस पर्सपेक्टिव के आधार पर देखता है उसके आधार पर आंसर आएगा। प्रश्न नंबर 9 जो है वो देख लेते हैं, शिक्षकों को बच्चों के को प्रयोग के लिए बहुत सारे अवसर देने चाहिए और उदाहरणों और गैर उदाहरणों पर चर्चा करनी चाहिए। कारण जान लेते हैं, बच्चों में गलत धारणाओं से निमटने का रचनात्मक तरीका विपरीत उदाहरण प्रदान करता है। तो अपना प्रश्न नंबर है 9,
और ये इसमें अभिकथन और कारण हमने देख लिए हैं, तो आप अच्छी तरह से ऑप्शंस को पढ़िए और कौन सा होगा। तो नंबर जो 2 है वो आंसर इसके अंदर आएगा। ए और आर दोनों सही हैं और ए आर की सही व्याख्या करता है। प्रश्न नंबर 10 में देख लेते हैं हमारा कि पठन वैकल्प से जूझ रहे छात्रों को पढ़ना सिखाया जा सकता है। देखिए आराम से पढ़िए कौन सा आंसर होगा। तो जो है 10 नंबर का क्वेश्चन जो है हमारा, इसका आंसर है व्यवस्थित ध्वन्यात्मक प्रशिक्षण के माध्यम से। तो बच्चे ने ये सही किया है, जिसने भी किया है। नंबर 11 नंबर जो है इसमें क्या पूछ रहा है वो, कि एक शिक्षिका खुद से पूछती है, मैं ऐसे अनुभव कैसे प्रदान कर सकती हूँ जिसमें छात्रों को पर्यावरण में विधि वस्तुओं को वर्गीकृत करने और उनके वर्गीकरण के स्कीमा का विश्लेषण करने की आवश्यकता है। वह बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है। तो कौन सी कोशिश कर रही है, प्रश्न नंबर है अपना 11 और इसका आंसर बताइए बच्चों फटाफट, प्राकृतिक बुद्धिमत्ता की। जिसने भी किया है आंसर बिल्कुल ठीक है इस बच्चे का। देखिए बहुत बड़े ऑप्शंस आते हैं तो अब बच्चों को क्या है, पढ़ने में ही बहुत टाइम वेस्ट चला जाता है बच्चों का। बहुत बड़ा पेपर आता है, लेंथी पेपर होता है, तो बहुत सारे क्वेश्चन जो है छूटने के ज़्यादा चांस रहते हैं बच्चों के। इसी वजह से सीटेट जो है बहुत बच्चे जब प्रैक्टिस करते हैं तो प्रैक्टिस के आधार पर उन पर कार्य होता है। जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे उतना ही अच्छे से आप इस पेपर को हल कर लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमिलित युग्म है, आप चारों ऑप्शंस को आराम से पढ़िए और पढ़ने के बाद इसमें जो अपना आंसर आएगा वो आंसर आएगा मानक संदर्भित मूल्यांकन साथियों के प्रदर्शन की तुलना करता है। प्रश्न नंबर 13 है, निम्नलिखित में से क्या दृष्टि बाधित विद्यार्थियों की कक्षा में भागीदारी लेने में बाधा डालता है। तो क्या है जो बाधा डालता है, तो इस बच्चे का जो आंसर है वो ठीक है, इसने 2 ऑप्शन लगाए हैं, लेकिन मुद्रित पाठ्य पुस्तक के और नोट्स इसका आंसर है 3 नंबर का। नेक्स्ट है अपना नंबर 14, निम्न में से कौन सा प्रश्न विश्लेषणात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है। तो कौन सा है, इस बच्चे ने बिल्कुल आंसर को एकदम स्पष्ट बहुत बढ़िया किया है, भारत में जनसंख्या वृद्धि के विभिन्न कारण क्या हैं। नेक्स्ट है 15 नंबर का, संवेदनशील अवधि पर समय अवधि होती है जिसके दौरान कुछ विशेष रूप से सामान्य विकास के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। तो नंबर 15 के अंतर्गत हमारा जो आंसर है पर्यावरण कारकीय है, ठीक है, आंसर नंबर है पर्यावरण कारकीय है। सोलह प्रश्न देख लेते हैं हमारा, थोड़ी पीडीएफ धुंधली है बच्चों, लेकिन फिर भी आप अंदाजा लगा लीजिएगा। शिक्षकों को शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत भिन्नताओं का सम्मान करना चाहिए और सभी शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं के अनुसार अपने शिक्षण को समायोजित करना चाहिए। कथन कारण के अंदर है, शिक्षकों की विविध पृष्ठभूमि के शिक्षार्थियों को पढ़ाते समय उनके बीच सहयोग और समूह कार्य और बातचीत से बचना चाहिए। तो कौन सा सही है और कौन सा गलत है, तो प्रश्न नंबर 16 के अंतर्गत है ए सही है लेकिन आर गलत है। बच्चे ने बिल्कुल ठीक किया है, ए सही है और लेकिन आर गलत है। 17 नंबर पे आ जाइए कि जीन पियाजे के अनुसार बच्चे व्यस्कों से किस प्रकार भिन्न है, तो किस प्रकार भिन्न है, प्रश्न नंबर है अपना 17 और 17 का जो आंसर आ गया अपना, पढ़ लीजिए आप अच्छे से, बच्चों को सोच व्यस्कों से गुणात्मक रूप से भिन्न होती है। जो बच्चों की जो सोच होती है व्यस्कों से गुणात्मक रूप से भिन्न होती है और इसका आंसर अपना नंबर 4 है। स्कूलों को प्रश्न नंबर 18, स्कूलों को उस ढांचे के भीतर कार्य करना चाहिए जो तैयार उत्पाद और सीखने के परिणामों का आकलन करते हैं। कारण में सीखने पक्के तौर पर अनुक्रमिक और पदानुक्रमिक है। तो अपना जो इस बच्चे का आंसर बिल्कुल गलत हो गया है। तो प्रश्न नंबर है अपना, देख लीजिए एक बार और आप, प्रश्न नंबर अपना 18 है और 18 का जो आंसर है वो आएगा ए और आर दोनों गलत है। ए और आर दोनों क्या हैं बच्चों, गलत हैं। प्रश्न नंबर 19 के अंतर्गत है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन
स्वलीनता के संदर्भ में सही है। तो कौन सा कथन है जो सही है, तो आप देख लीजिए कौन सा कथन सही है। तो स्वलीनता एक तंत्रिके विकासात्मक विकार है। नंबर 3, 20 पे आ जाइए। रचनावादी शिक्षण विधियों को अधिगम की ओर ले जाता है। पढ़ लीजिए आप चारों ऑप्शन को अच्छे से, और इसका जो आंसर आएगा वो खोज आधारित आएगा। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत यह बताता है कि, तो प्रश्न नंबर अपना 21 है, और 21 का आंसर आएगा पाठ्यक्रम को बच्चों के आयु समूह या चरण को ध्यान में रखकर तैयार किया जाता है। जीन पियाजे ने जो अवस्थाएं बताई है उनके आधार पर, देखिए जीन पियाजे बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप जीन पियाजे को अच्छे से पढ़िए, चाहे रीट हो, साइक्लो रीट हो, फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, इसमें जीन पियाजे बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो जीन पियाजे है, सिगमंड फ्राइड है, इरिक्सन है, इनको आप अच्छे से पढ़ के जाया कीजिए बच्चों। प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों का को किस तरह देखा जाता है, तो प्रश्न नंबर है अपना 22, और 22 का जो आंसर है वो आंसर है ज्ञानवर्धक और अर्थ की रचना करने वाले। ठीक है, अब आ जाइए अपन 23 पे। रमा एक शिक्षिका है जो वाइगोत्स्की के सिद्धांतों को अपनी कक्षा में लागू कर रही है, और वह एक चुनौतीपूर्ण कार्य को पूरा करने के लिए अपने छात्रों समूह में काम करने के लिए नियुक्त करती है। कार्य के दौरान एक छात्र एक महत्वपूर्ण संकल्पना की समझने के लिए संघर्ष करता है। रमा के लिए इस छात्र की मदद करने का सबसे प्रभावी तरीका क्या होगा। तो आप अच्छे से देखो, प्रश्न ही बहुत बच्चों को पढ़ने में ही टाइम लग जाता है, फिर समझने में भी टाइम लगता है। तो प्रश्न जो सीटेट का पेपर है बहुत लेंदी पेपर है बच्चों, लेकिन इसको में अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो इसको बहुत अच्छी तरह से आप हल करके आ सकते हैं, और अच्छे से अच्छे मार्क्स CDP में ले करके आ सकते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो आंसर होगा नंबर 1। प्रश्न नंबर 24 जो है, किस अधिगम की रणनीति में बच्चों द्वारा दूसरों को सिखाना शामिल है जो उन्होंने सीखा। तो क्या है 24 का आंसर होगा अपना पारंपरिक शिक्षण, आंसर होगा पारंपरिक शिक्षण। नेक्स्ट देख लेते हैं 25 नंबर का। छात्रों के विविध समूह को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण का सही वर्णन करता है। तो कौन सा है जो अपना सही होगा, तो ऑप्शन नंबर जो 4 है वो अपना आंसर बिल्कुल सही है। जिस भी बच्चे ने किया है, इसके एक तो गलत आ रहे हैं, बाकी ये बच्चा ठीक करके आया पेपर को। प्रश्न नंबर 26, विद्यार्थियों के समालोचनात्मक चिंतन को विकसित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, बताइए। प्रश्न नंबर 26 पढ़ लीजिए आप अच्छे से। तो ऐसे सवाल देने चाहिए जिनमें निष्कर्ष और व्याख्या शामिल हो। प्रश्न नंबर 27, आप एक शिक्षक हैं जो अपने छात्रों को परासंज्ञानात्मक कौशल विकसित करने में मदद करना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति इस प्रकार के चिंतन को बढ़ावा देने की सबसे अधिक संभावना है। तो प्रश्न नंबर 27 का जो आंसर है वो आप आराम से ऑप्शंस को पढ़िए, आराम से ध्यान से पढ़िए, तो इसका जो आंसर आएगा वो छात्रों को अपने स्वयं के सीखने और सोचने की प्रक्रिया पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना, आंसर है 3 नंबर। प्रश्न नंबर 28, छात्रों के लिए कक्षा में प्रतिक्रिया सबसे अधिक प्रभावी होती है जब। प्रश्न नंबर 28 आंसर आएगा इसका अपना, आप आराम से ऑप्शन को देखिए, यह सीखने की गतिविधि के दौरान और पश्चात भी होता है। ठीक है, प्रश्न आंसर आ गया अपना नंबर 3। अब आ जाइए आप 29 प्रश्न पर। 29 का है, शिक्षकों को विद्यार्थी के बीच बहस, चर्चा और सहयोग को प्रोत्साहित करना चाहिए। कथन आर में जो है, ज्ञान उत्पादक एक निष्क्रिय प्रक्रिया है और सामूहिक गतिविधियों में संलग्नता अर्थपूर्ण अधिगम में बाधा डालता है। ठीक है, तो आप बताइए क्या आंसर होगा इसका 29 नंबर का। तो ए सही है लेकिन आर गलत है। आ जाइए, सुनीता एक 12 वर्षीय लड़की है, विशेष संगीतीय क्षमता रखती है, उसके माता पिता दोनों ही निपुण गायक हैं और वह सुनीता को अपनी आवाज़ और बेहतर करने के लिए प्रशिक्षण कक्षा में भेज रहे हैं। सुनीता की यह क्षमता संभावित रूप से किन कारकों के अंतःक्रिया का परिणाम है, तो बताइए बच्चों कौन सा होगा अपना, आनुवांशिकता और वातावरण।
तो उसको आनुवंशिकता यानी वंशानुक्रम के आधार पर भी वो कार्य कर रही है और वातावरण भी उसको वैसा ही मिला हुआ है, तो वो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आएगा आनुवंशिकता। यहाँ पर हमने CDP के 30 जो प्रश्न हैं वो उनको आंसर जान लिए हैं। बच्चों को इस समय आंसर की ही ज़रूरत होती है, तो ये प्रश्न आप अच्छे से कीजिए। बहुत जो मैंने CDP के जितने 30 क्वेश्चन आए उनको मैंने यहाँ पर हल करवा दिया है, आपको आंसर बता दिए हैं, जल्दी CTET के आंसर की भी आ जाएगी। तो ये जो बच्चे हैं यहाँ पर इन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से पेपर को किया होगा, मैं ये आशा करती हूँ अपने बच्चों से। प्रश्न बहुत लेंदी आते हैं, पढ़ने में समय लगता है, लेकिन फिर भी अगर आप बच्चों प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस ही बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रैक्टिस करते रहिए, आपका CTET क्लियर हो जाएगा। मैं यही ईश्वर से प्रार्थना करूँगी कि आपका सभी बच्चों का CTET जो है क्लियर हो जाए। यहाँ पर जो CDP के 30 प्रश्न हमने हल कर लिए हैं, आप घर पर रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, सभी बच्चों का CTET क्लियर हो जाएगा। नमस्कार बच्चों।